नमस्कार, क्रांतक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अचल सिंगर। आज की जो कहानी है वो एक लड़की की कहानी है, एक लड़की के इंतकाम की ऐसी कहानी जिसने भी सुनी उसकी रूह कांप गई। तो क्या है पूरा मामला? दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश का मेरठ, और मेरठ में एक रहावती गाँव जहाँ 30 अक्टूबर की शाम के टाइम 45 वर्षीय सत्यवान अचानक संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गए। जब शाम तक वो घर नहीं लौटे तो घर वालों ने आसपास पड़ोस में पूछताछ करी, उनसे जानने की कोशिश करी कि उन्हें पता तो नहीं कि कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए, कब तक लौटेंगे, शायद उन्हें बताकर गए हों। लेकिन रात तक जब वो घर नहीं लौटे तो उन्होंने सीधा पुलिस में इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस ने भी मिसिंग कंप्लेंट लिखने के बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई और छानबीन में जुट गई। सबसे पहले पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करी, उनसे जानने की कोशिश करी कि इनका व्यवहार कैसा है, किससे आपसी रंजिश तो नहीं है, या इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो कि कभी बिना बताए चले गए हों, एक दिन दो दिन बाद घर लौटे हों। तो उस छानबीन के दौरान पुलिस को सत्यवान की बेटी का व्यवहार में थोड़ा सा अटपटा लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसकी बेटी के बारे में भी लोगबागों से पूछना शुरू किया। तो इस पूछताछ में कुछ उन्हें ऐसा पता चला जिसके बाद उनका शक और ज़्यादा गहरा हो गया, और तभी से ही पुलिस सत्यवान की बेटी की निगरानी करने लगी। एक दिन पुलिस ने सत्यवान की बेटी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया। वो आई और पूछताछ शुरू होती है, लेकिन पुलिस ने जितने भी सवाल उससे पूछे उसने हर सवाल का अधिकतर एक ही जवाब दिया, मैं नहीं जानती या मुझे नहीं पता, जिससे पुलिस को लगा कुछ यहाँ पर दाल में कुछ तो काला है। इससे जितने भी सवाल पूछे गए वो हर सवाल का घूम फिर के एक ही जवाब, एक बार और पूछताछ करनी पड़ेगी जिससे चीज़ें आपका साफ साफ हो जाए। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अभी तक पुलिस इस केस को मिसिंग कंप्लेंट लेके चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे पुलिस का शक गहरा होता चला गया, पुलिस समझ चुकी थी कि ये मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं है, दरअसल ये मामला कुछ और ही है। अब पुलिस सोचती है कि क्यों ना एक बार और सत्यवान की बेटी को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया जाए। पर इस बार पुलिस सोच चुकी थी कि अगर हमें साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, इस बार अपना के इस बात की सच्चाई तक हम जरूर पहुँचेंगे। और वैसा ही हुआ। सत्यवान की बेटी एक बार फिर पुलिस स्टेशन में आई, लेकिन इस बार पूछताछ करने का रुख थोड़ा सख्त था, और जब पुलिस ने सख्ती के साथ उससे सवाल पूछे तो पहली बार सत्यवान की बेटी टूटी, और उसने जो बोला वो सुन के पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने बोला, हाँ, मैंने ही अपने बाप को मौत के घाट उतारा है। जिसे सुनते ही पुलिस सन्न रह गई। पुलिस का दूसरा सवाल, तो तुमने उसकी लाश को कहाँ छुपाया है? तो बोलती है, पास ही के गांव में एक ट्यूबवेल है जहां पर एक कोठरी है, उस कोठरी के अंदर मैंने अपने बाप की लाश को छुपा रखा है। जिसके बाद पुलिस आरोपी लड़की समेत तुरंत उस घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां से सत्यवान का शव बरामद करती है और उसको तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम में जाने के बाद पुलिस फिर लड़की से पूछताछ करती है कि इस हत्या को करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था, या कहें तुमने यह हत्या क्यों करी, किसके उकसाने पर करी। पुलिस ने तमाम सवाल पूछे, लेकिन जब लड़की ने खुलासा करना शुरू किया तो मानिए पुलिस के होश फक्ता हो गए। लड़की ने बताया, पहला कि मैं प्रेम प्रसंग में हूँ, यानी कि मैं किसी से प्यार करती हूँ। दूसरा, सत्यवान मेरा सौतेला बाप था। तीसरा, जब सत्यवान को अपनी बेटी के प्यार की एक कहानी की जानकारी हुई तब सत्यवान ने उसको डांटा और खूब पीटा भी, जिसके चलते आरोपी लड़की के मन में एक बदला लेने की भावना पैदा होने लगी और उसने ठान लिया कि मैं अपने पाप को मौत के घाट उतारूंगी। और तभी से उसने योजना बनानी शुरुआत करी, और एकदम से जब वो उसने आगे बोला तो उसने ये बोला कि मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने मिलके अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया। तो अब तक पुलिस के दिमाग में था सिर्फ आरोपी लड़की ने अपने बाप को मौत के घाट उतारा है, लेकिन नहीं, जैसे जैसे खुलासे होते रहे पुलिस को पता चलता रहा कि बेटी के साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल है। आगे उसने बताया, मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने मौका देख सबसे पहले सत्यवान का मुंह दबाया,
जिससे उसकी सांसें रुक गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर उसकी लाश को हमने ट्यूबवेल के पास एक कोठरी में छुपाया और उसके बाद हमने पुलिस में आके कंप्लेन दर्ज कराई, जिससे किसी को भी हमारे ऊपर शक ना हो। लेकिन वो बोलते हैं ना कि आप कितनी ही चालाकी से किसी भी वारदात को अंजाम दें, सच एक न एक दिन सामने आता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी लड़की और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अगली कार्रवाई में जुट चुकी है। तो ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।